हेलो, मेरा नाम शेखर गुप्ता है। मैं द प्रिंट का एडिटर इन चीफ और फाउंडर हूँ। इसके अलावा मैं फैक्टशाला का एम्बेसडर भी हूँ। मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ गलत जानकारियों की असलियत जानने के लिए जुड़े हैं। हम ये भी जानेंगे कि इस झूठ को कैसे पहचाना जाए। इंटरनेट पर सूचनाओं का एक बड़ा अंबार है, जिसके कारण हम अक्सर कुछ जरूरी जानकारियों से चूक जाते हैं। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि गलत जानकारी खुद ब खुद कई तरीकों से फैलती है और कभी कभी कोई झूठ बिल्कुल भी झूठ नहीं लगता है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसी सूचना या जानकारी आती है जो आपके मन में थोड़ा संदेह पैदा करे, तो उसे शेयर करने से पहले उसकी असलियत जान लेना जरूरी हो जाता है। एक तरीका है जो आपको अधिक सतर्क बनाने में मदद कर सकता है। डिजिटल इंक्वायरी ग्रुप ने सुझाव दिया है कि हमें कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले खुद से 3 सवाल करने चाहिए। पहला सवाल, ये जानकारी कौन दे रहा है? ये बेहद जरूरी सवाल होगा। थोड़ी रिसर्च करके ये जानने की कोशिश करें कि इसे किसने शेयर किया है और क्यों किया। क्या वे व्यक्ति इस विषय के एक्सपर्ट हैं, या फिर आपके द्वारा इस जानकारी को शेयर करने से उन्हें कोई फायदा होने वाला है। दूसरा सवाल, इस जानकारी का सबूत क्या है? जो भी दावा किया जा रहा है उसकी सपोर्ट में क्या कोई सबूत भी दिए गए हैं? क्या इस जानकारी से जुड़े ऑफिशियल सोर्सेज, रिसर्च, लेजिटिमेट फोटो या वीडियो के लिंक भी दिए हैं? तीसरा सवाल, इस बारे में दूसरे लोग या न्यूज़पेपर चैनल क्या कहते हैं? ये पता करें कि अलग अलग न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग में क्या लिखा जा रहा है। अलग अलग नजरिए जानने के बाद आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। हम जर्नलिस्ट हर दिन ये 3 सवाल अपने आप से पूछते हैं और आप तक सही जानकारी पहुंचाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए भी मददगार बनेगी।